फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं नोकिया 3 फोन की। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, आपको नोकिया 3 फोन का ओवरव्यू मैं दिखा रहा हूं। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि आप इस फोन को परचेस कर सकते हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट से, वो भी केवल 10,299 रुपीज में। तो दोनों ही वेबसाइट का मैंने लिंक दे दिया है, आप डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो करते हुए इस फोन को परचेस कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, ये मेरे पास नोकिया 3 का बॉक्स है। चलिए अब हम एक नज़र इसके फीचर्स पे डाल लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एंड्रॉइड वर्जन इसका जो है वो 7.0 नॉगट में है। अगर हम यहाँ पर इसकी बॉडी की बात करें तो बॉडी हमें इसकी एल्युमिनियम प्लस प्लास्टिक में मिलती है। साथ ही अगर हम यहाँ पर इसकी डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर हमें डिस्प्ले 5 इंच की HD पोलराइज डिस्प्ले मिलती है। अगर हम यहाँ पर कैमरे की बात करें तो यहाँ पर हमें फ्रंट एंड बैक कैमरा दोनों ही 8MP के ऑटो फोकस में मिल जाते हैं। और ये फोन हमारा 4G LTE और वो LTE को भी सपोर्ट करता है। साथ ही अगर हम यहाँ पर इसके प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर हमें क्वाड कोर का प्रोसेसर दिया गया है और यहाँ पर हमें 2GB रैम मिलती है। साथ ही हमें 16GB इंटरनल स्टोरेज भी मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर हमें मेमोरी कार्ड का भी स्लॉट दिया गया है। हम चाहें तो मेमोरी कार्ड इंसर्ट करके भी इसका स्टोरेज काफी बढ़ा सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर बैटरी की बात करें तो यहाँ पर हमें नॉन रिमूवेबल बैटरी मिलती है, जो की 2630 mAh की बैटरी है। तो चलिए अब हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी पैकिंग में हमारा ये फ़ोन आया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें मिलता है सिम इजेक्टर, चलिए इसको देखते हैं निकाल के। और इसको साइड में रख देते हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पर काफ़ी सारी ट्यूटोरियल गाइड हैं, तो वो आप उनको पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल मैं इनको यहाँ पर नहीं पढ़ रहा हूँ, तो इसको एक साइड में रखते हैं। और यहाँ पर हमें एक और बॉक्स दिया गया है, चलिए इसको अब हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें मिलता है एक ईयरफोन, जो कि नॉर्मल सा ईयरफोन है। साथ ही यहाँ पर एक हमें डेटा केबल भी मिल जाता है। और यहाँ पर हमें एक चार्जर मिलता है जो कि 1 एम्पियर का है। तो यहाँ पर हमें फास्ट चार्जिंग नहीं मिलने वाली है, ये केवल नॉर्मल ही चार्ज कर सकता है हमारे फ़ोन को। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने मेन यूनिट की तरफ। तो यहाँ पर ये है हमारा मेन यूनिट, जो कि एक नोकिया 3 फ़ोन है। और अब इसको हम ऑन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये फ़ोन लुक वाइज काफ़ी अच्छा है, और हैंड में आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा फ़ोन ये लग रहा है। तो चलिए मैं इसकी फटाफट से सेटिंग कर देता हूं और आगे बढ़ते हैं। और यहां पर अब हम फिनिश कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का हमें ये फ़ोन मिलता है। अगर हम ऊपर की साइड से स्लाइड करते हैं इसको, तो यहाँ पर हमें काफ़ी सारे शॉर्टकट मिल जाते हैं, जिससे कि हम इसको काफ़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करें फ़ोन के ऊपर की साइड की, तो यहाँ पर हमें 8 MP का ऑटो फोकस कैमरा मिलता है। साथ ही यहाँ पर हमें एक सेंसर मिलता है और यहाँ पर नोकिया की ब्रांडिंग भी दी गई है। और अगर हम बात करें यहाँ पर फ़ोन की डाउन साइड की, तो यहाँ पर हमें राइट साइड में एक मल्टीपल बटन मिलता है, सेंटर में होम बटन है, और लेफ्ट साइड में हमें बैकवर्ड का भी बटन मिल जाता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूँ, यहाँ पर हमें फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं दिया गया है। साथ ही यहाँ पर हमें एक स्पीकर मिलता है, एक माइक्रोफोन, और यहाँ पर USB 2.0 भी दिया गया है, जिससे कि हम अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। साथ ही अपने कंप्यूटर से भी उसको कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें ऊपर की साइड में, तो यहाँ पर एक हमें हेडफोन जैक दिया गया है। साथ ही हमें एक नॉइस कैंसिलेशन के लिए भी माइक्रोफोन दिया गया है। और बैक साइड में यहाँ पर 8 MP का रियर कैमरा भी फ्लैश के साथ दिया गया है। और यहाँ पर भी आपको नोकिया का लोगो देखने को मिल जाता है। तो पीछे की साइड से मुझे लगता है कि ये प्लास्टिक कवर है, और इसकी जो साइड में जो क्रोम दी गई है, यही हमारी केवल मेटल की क्रोम है। और यहाँ पर हमें राइट साइड में पावर बटन मिलता है, प्लस वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन भी मिल जाता है। अगर फ्रेंड्स हम यहाँ पर लेफ्ट साइड की बात करें, तो यहाँ पर हमें सिम स्लॉट दिया गया है, प्लस यहाँ पर हमें मेमोरी कार्ड भी स्लॉट दिया गया है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको बता दूं, यहाँ पर हमें डुअल सिम कार्ड मिलते हैं, प्लस एक SD कार्ड स्लॉट भी मिलता है। यहाँ पर हाइब्रिड स्लॉट नहीं दिया गया है, यहाँ पर आप डुअल सिम कार्ड प्लस मेमोरी कार्ड तीनों को ही एक साथ यूज कर सकते हैं। और हम बात करें अगर एंड्रॉयड वर्जन की, तो यहाँ पर हमें एंड्रॉयड वर्जन 7.0 नॉगट दिया गया है। एंड्रॉयड वर्जन 7.0 के साथ स्मूथली इस सेट को ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ ऊपर की साइड में हमें काफ़ी सारे शॉर्टकट मेन्यू दिए गए हैं। यहाँ पर हमें ब्राइटनेस कंट्रोल का एक ऑप्शन मिलता है। साथ ही अगर हम बात करें, तो यहाँ पर हमें साइड में गूगल सर्च इंजन भी मिल जाता है। तो यहाँ पर हम इस फ़ोन को बड़ी ही स्मूथली चला सकते हैं। साथ ही यहाँ पर हमें स्टॉक वॉलपेपर भी काफ़ी सारे मिल जाते हैं। तो चलिए मैं अब आपको इसके कुछ कैप्चर्ड फ़ोटो को दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छी कैमरे की क्वालिटी मिलती है।
तो दोस्तों आज की अनबॉक्सिंग हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और नई वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।